रितु फोगाट अपनी एमएमए वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रितु फोगाट 30 जुलाई 2021 को वन बैटल ग्राउंड में चाइना के लिन हेगिन से भिड़ेंगी। वन चैंपियनशिप ने अपने सोशल मीडिया पेजों के माध्यम से घोषणा की। वन दंगल में बी एनग्वेन के साथ लड़ाई के बाद रितु के लिए यह पहली लड़ाई हो। न केवल रितु के एमएमए करियर की यह पहली हार दी, बल्कि एनग्वेन के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें वन एटम वेट ग्रैंड प्री में स्थान भी गवा दिया। इन सब के कारण रितु जब लिन हेगिन से लड़ेंगी तो वह एक मजबूत वापसी करना चाहेंगी। इससे पहले एक इंटरव्यू में रितु ने कहा था कि वह अपनी अगली लड़ाई में जीत हासिल करना चाहती है और वन एटमवेट ग्रैंड प्री में फिर से प्रवेश करना चाहती है। रितु के नाम में 4-1 का रिकॉर्ड है, जब लिन हेगिन 14-2 है। लिन हेगिन इस समय 11 फाइट जीतने के स्ट्रिक पर है और 2016 के बाद वो कोई फाइट नहीं हारी है। अपनी आखिरी लड़ाई में उसने वन चैंपियनशिप में जोमेरी टोरस को हरा दिया। उसकी 14 जीत में से 8 लिन हेगिन के लिए नॉकआउट या सबमिशन के माध्यम से आई है। इस लड़ाई के लिए आपके प्रेडिक्शंस क्या है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।